वैसे यूपी के मुस्लिम मूड मीटर की रीडिंग लेने हम बुलंदशहर पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की थी। 7 विधानसभा सीट वाले बुलंदशहर में वैसे तो हिंदू मतदाता निर्णायक भूमिका में है, लेकिन 4 ऐसी सीटें हैं जहां हार जीत के समीकरण मुसलमान वोटर्स तय करते आए हैं। बुलंदशहर की जो 4 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, उनमें सिकंदराबाद, बुलंदशहर, शिकारपुर और खुर्जा शामिल हैं। बुलंदशहर में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, वो यहाँ के भाईजान को कितना कबूल है। पहला जवाब मुस्लिम मतों के मरकज माने जाने वाले खुर्जा में ही मिला। इस वक्त हम जनपद बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हालांकि अगर राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो खुर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों रखता है ये भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल जिस इलाके में हम मौजूद हैं, बुर्ज उस्मान का इलाका है। इस इलाके में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है। चलिए उनकी मन की बात कर लेते हैं। चाचा सलाम, कैसे हैं जी आप? हमें तो भाई साहब ऐसा बोट साइकिल को ही जाना है। साइकिल को ही जाना है? क्यों? क्यों कि 5 बार अशोक प्रधान दिखाया और विधायकों को दिखाया, बीजेपी पार्टी दिखाया, सवाल के लिए खड़े हैं और वो परे परे निकल जाती है ना, हमारी पार्टी की भी नहीं सुनती। सुनती नहीं है? नहीं, चले जाते हैं हम इस्तेमाल के, थाली लेके खड़े हैं और वो पर्व निकल जाते हैं। अच्छा, आप इस्तकबाल के लिए खड़े रहते हैं, निकल जाते हैं? माला भी लेके खड़े तो भी वो निकल जाते हैं। पार्टी जो भी है, जो सही काम करेगी उसको सपोर्ट करेंगे, ना कि हिंदू मुस्लिम। और ये हमारे अंदर कोई बात है नहीं दिमाग में, क्योंकि जो पार्टी, अगर हम बीजेपी को भी सपोर्ट करें, हमारे लिए तो कोई पार्टी ऐसी है नहीं कि जो मुस्लिम ही कोई सीएम बना हो या पीएम बना। है ना वो जो हैदराबाद वाली पार्टी है, नहीं उससे हमें क्या लेना, हमें तो यहाँ से यूपी से मतलब है। खुर्जा के बाद हमारी अगली मंजिल थी अनूप शहर। बानपट्टी, मक्खन, इमारती लकड़ी और जड़ी बूटी से इस शहर की पहचान जुड़ी है। 2017 की विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने 49% से ज्यादा वोट हासिल कर एक दशक बाद वापसी की थी। अनूप शहर को छोटा काशी भी कहते हैं। ऐसे में छोटे काशी के मुस्लिम बिरादर किस पर वोट इनायत करेंगे? मुस्लिम मतदाताओं के मन की थाह लेते हुए इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इसे छोटी काशी भी कहते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं अनूप शहर के जामा मस्जिद में। हमें ये बताया गया कि ये मस्जिद शाहजहां के काल में बनाया गया था। नजर लग रहा है यहाँ की सीट बीजेपी को ही निकलेगी। आप भी यही चाहते हैं? जी सर, जैसा यहाँ का माहौल है, लग रहा है कि नहीं, यही यहाँ का माहौल नहीं। आप क्या चाहते हैं ओसामा? सर बीजेपी निकल जाए। वैसे ओसामा चाहते हैं बीजेपी निकल के आए? जी सर, यहाँ पर कोई प्रत्याशी ऐसा है ही नहीं है जो अच्छा। संजय शर्मा ही है, घड़ी है उनका, चुनाव चिन्ह घंटा है, घड़ी का घंटा है। हाँ जो भी है सर। लोकदल से आपको लग रहा है कि वही आ जाए संजय शर्मा आ जाए? सर ना, तो ऐसा ही लग रहा है संजय शर्मा ही जीते। माहौल गठबंधन का चल रहा है। गठबंधन का जी, अभी कह रहे थे हम पहचानते ही ना कौन। कोई बात ना, जो ना पहचान दो बढ़िया बात है। प्रत्याशी गलत दे दिया थोड़ा, आपको भी लग रहा है बिल्कुल गलत लग दिया, फिर भी देनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। क्या मजबूरी होगी भैया? के शर्मा को देनी पड़ेगी। अब मजबूरी क्या हो गई? देनी पड़ेगी, गठबंधन के साथ रहते हैं हम। ताला नगरी है अलीगढ़। 130 साल से अलीगढ़ ताले बनाता आ रहा है। यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर तालों का कारोबार करते हैं। इसी ताला नगरी को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तरौली पहुंचे थे। अलीगढ़ के सामने विकास का विजन रखा। यह अलीगढ़ के ताले की फैक्ट्री को ये बुआ भतीजा ने ताला लगा दिया था। एक जिला एक उत्पाद हमने हमारे घोषणा पत्र में लेकर आए। ताला उद्योग को बढ़ावा देकर अब सैकड़ों ताले बनाने की फैक्ट्री फिर से अलीगढ़ में शुरू हो गई है। मित्रों, अलीगढ़ के मुसलमानों को विकास का ये फॉर्मूला कबूल है या फिर ताला नगरी किसी और की किस्मत का ताला खोलेगी? मुसलमान हिंदुस्तान में था, हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुस्तान का वफादार है। वोट किसको देगा? वोट किसको? वोट बीजेपी को दे रहे हैं। अगर बीजेपी कहती नहीं है या बीजेपी का साथ नहीं है मुसलमान, बताइए आप। मुसलमान ने पिछली सरकार मुसलमान ने बीजेपी की नहीं बनवाई, मुसलमान देता नहीं है क्या वोट? आज तक जो है मुसलमानों को दिया क्या है अखिलेश ने या अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी ने क्या दिया, बताएं आप। अगर के है कोई समाजवादी वाला तो बताएं हमें, मुसलमानों को क्या दिया है? मुसलमानों को आज तक जितना भी दिया है
बीजेपी ने दिया है। देखिए गरीबों को मकान, सबका साथ सबका विकास, राशन सबके साथ। अरे लेकिन नहीं है आप पे विश्वास। विश्वास कैसे नहीं है, विश्वास है। अच्छे वाले काम पे देंगे आप, बुरे वाले काम पे या अच्छे वाले? अच्छे वाले पे देंगे ऑब्वियसली। अच्छे वाले पे जी। तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया? कम से कम मुस्लिम लड़कियां रात बिरात में खुला जा तो रही हैं, अखिलेश के में नहीं जा रही पा रही थी, कभी भी कुछ भी हो रहा था, रेप हो रहे थे आए दिन, बट अभी वो चीज़ें नहीं हो रही है। तो महिलाओं को ये वाली सरकार पसंद आ रही है? हाँ सही है सरकार, हमें पसंद आई। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, लोगों के घरों पर छत नहीं थी, अब वो छत भी लोगों को जो पैसे दिए जा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए दिए गए थे घरों के लिए बनाने के लिए, वो इससे पहले किस सरकार ने दिए भी? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की राजनीतिक कर्म भूमि भी अलीगढ़ ही रही। यहाँ मुसलमानों के साथ ब्राह्मण, ठाकुर, लोधी और जाट वोटरों का दबदबा है। 2017 में जाट मुसलमानों ने बीजेपी पर भरोसा जताया था, तब अलीगढ़ विधानसभा की सभी 7 सीट पर बीजेपी को विराट जीत मिली थी। लेकिन इस बार यूपी की सियासी जमीन पर मुद्दों का ज्वार है। ऐसे में अलीगढ़ के मुसलमान किस पाले में जाएंगे और क्यों? पिछली बार लोगों ने बीएसपी को भी बड़ा दबा के वोट दिया था यहाँ, तो फिर मायावती को देंगे क्या? मायावती तो देंगे, हम तो सपा को देंगे वोट। सपा को दोगे? सपा को।